दोस्तों, मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम से आप सबको खुश आमदीद। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और पहली कश्मीर प्रीमियर क्रिकेट लीग की तैयारियां मुकम्मल और इंतज़ार ख़त्म। आप देख सकते हैं कि इस वक्त KPL में यानी कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत करने वाली टीमें जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, और इससे पहले मौसम थोड़ा सा ख़राब रहा, इसलिए आज का दिन ही मिला। तमाम टीमों को दो दो घंटे दिए गए कि आप अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप मनाज़िर देख सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी लेजेंड अब्दुल रज़ाक को आप देख सकते हैं, यहाँ पर सईद अजमल भी मौजूद हैं, कामरान अकमल भी हैं। इसके अलावा जो टीमें KPL में खेलेंगी उनमें शुएब मलिक, शाहिद खान अफरीदी जैसे जो नामवर ऑलराउंडर हैं वो भी आपको इन एक्शन नज़र आएंगे। और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की बात करें तो हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं साबिक ओपनर वो इन एक्शन होंगे, और इसके अलावा श्रीलंका के ओपनर तिलकरत्न दिलशान जो हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश क्रिकेटर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट हुआ था मगर उनके बोर्ड ने मना कर दिया और वो नहीं आ पा रहे, तो सिर्फ दो ही गैर मुल्की क्रिकेटर्स इस पहली लीग में जलवागर होंगे, मगर बहुत नामवर जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के वो आपको KPL में दिखाई देंगे। पाकिस्तान की T20 की टीम जो है वो भी वतन वापस पहुँच रही है और खिलाड़ी जो हैं वो सीधा मुजफ्फराबाद आएंगे और KPL में आपको नज़र आएंगे। तो एक खूब रंगारंग जो है वो मेला सजा रहेगा यहाँ पर। अगरचे पहली लीग है मगर काफ़ी पुरजोश हैं कश्मीरी भी इस लीग को लेकर, क्योंकि उनके लिए बहुत मानी रखती है ये लीग, उनके लोकल जो टैलेंट है वो यहाँ पर नज़र आएगा, और जाहिर है जो खिलाड़ी बेहतर होगा उसको पाकिस्तानी कैंप में पाकिस्तान टीम में जगह भी मिल सकती है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कश्मीरी यूथ के लिए, कश्मीरी टैलेंट के लिए। मगर एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये स्टेडियम जो है वो 10,000 स्ट्राइकिंग की कैपेसिटी रखता है, अगरचे कोविड की वजह से यहाँ पर 25 से 30% यानी 3-4 हज़ार स्ट्राइकिंग को ही आने की इजाज़त मिलेगी, और टिकट्स भी काफ़ी हद तक सेल भी हो गई हैं और काफ़ी महंगे दामों में लोगों ने खरीदी हैं, क्योंकि बहुत बेकरार हैं लोग यहाँ पर KPL मैचेस देखने के लिए। और फ्लड लाइट्स आप देख सकते हैं ये, और इसमें ख़ास बात ये है कि ये पाकिस्तान की वाहिद फ्लड लाइट्स हैं जो LED लाइट्स हैं बेसिकली, और नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ये स्टेडियम बना है, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। और मुजफ्फराबाद के मौसम की एक आप कह सकते हैं कि ख़ास बात ये है कि थोड़ा सा आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वक्फे से बारिश भी हो सकती है जैसे अब से दो दिन पहले होती रही, और आज जो ट्रेनिंग सेशन है खिलाड़ियों का वो इस वजह से मुतासर भी हुआ। अगरचे एक दो टीमें यहाँ पर आईं, उन्होंने हल्का सा वार्म अप किया और फिर बारिश हुई, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी चले गए और खिड़की से उन्होंने अपने कैमरे के अंदर जो है वो कैद किए ये मनाज़िर, क्योंकि बारिश के बाद भी स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ख़ासकर लाइटों के अंदर से जब इसकी चमक धमक नज़र आ रही थी तो स्टेडियम की क्या ही बात है। और खिलाड़ी जो आए उन्होंने भी फोटोग्राफी की और इन ज़्यादातर लम्हों को अपने कैमरे में महफूज किया। बाकी टीमें नहीं आ सकी और इंतजामिया ने यह अनाउंस किया कि अब चूँकि बारिश हो गई है और स्टेडियम के अंदर मैचेस भी होने हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग फ़िलहाल नहीं हो सकती है, तो खिलाड़ियों की जो है ट्रेनिंग कह सकते हैं किसी हद तक मुतासर हुई है। कुछ टीमों ने होटल के अंदर ही वार्म अप सेशन किए थे मगर फिज़िकल ट्रेनिंग कर सके हैं, ज़ाहिर है बैटिंग बॉलिंग ट्रेनिंग नहीं कर सके हैं। और इससे एक रोज़ पहले हमारी डायरेक्टर KPL तैमूर खान साहब से जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये जो पिच क्रिएटर ने तैयार की है वो ये मानते हैं कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट होगी, यहाँ पर 200 रन भी चेज हो सकते हैं, तो खूब चौके छक्के देखने को मिलेंगे। मगर फिलहाल तो इंतज़ार है कि KPL का पहला मैच हो। इब्तदाई तकरीब जो है उसमें एक छोटी सी रंग में भंग ये है कि हो सकता है कि पहले रोज़ भी बारिश हो, शदीद किस्म की बारिश हो, तो हो सकता है कि इब्तदाई तकरीब जो है वो थोड़ी बहुत मुतासर हो, मगर आगे में जो वेदर फॉरकास्ट है वो काफ़ी बेहतर है कि मैचेस होंगे और खूब क्रिकेट जो है क्रिकेट के रंग यहाँ पर नज़र आएंगे। तो दोस्तों, KPL के अंदर जो भी अपडेट होती रही हम आपको गाहे बगाहे इस पर आगाह करते रहेंगे। फिलहाल जो आज का दिन था उसमें जो जो अपडेट हुई वो हमने आपको आगाह कर दी हैं, तो स्टे ट्यून्ड पाक TV.TV।